अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि जो छोटे बच्चे जो कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं ना, वो ख़त्म हो गया, तो उस खुशी में जो है मुझे कल दावत आई है, तो उसमें शिरकत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई साहब ने कहा कि किसी बच्चे ने कुरान ख़त्म किया है, यानी कुरान की तालीम मुकम्मल की है और उस खुशी में दावत देना चाहता है, तो शिरकत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक शख्स ने तालीमी तौर पर एक इम्तिहान समझिए पास किया है और खुशी में वो पार्टी दे रहा है, तो अच्छी बात है, आप शिरकत कर सकते हैं। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, उन दावतों पे पाबंदी लगती है जिन दावतों को ये समझ लिया जाए कि वो दीन का पार्ट है, दीन का हिस्सा है, और आदमी ये समझे कि ये दीन का हिस्सा है। यानी अगर किसी का ये अकीदा हो कि कुरान ख़त्म हो तो दावत करना चाहिए, तब वहाँ पे हम कहेंगे ऐसी दावत में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरी मालूमात की हद तक अब तक उम्मत मुस्लिमा में किसी भी गिरोह के यहाँ ऐसा कोई अकीदा नहीं पाया जाता है कि ख़त्म कुरान के बाद दावत लाजमी है। ख़त्म कुरान के बाद बच्चा कुरान ख़त्म करेगा तो दावत करना ज़रूरी है, वो भी मतलब शरई तकाजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुरान ख़त्म होता है, लोग दावत करते हैं, लोग मिठाई खिलाते हैं, तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। एक तालीमी कोर्स है, समझिए बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक नाजरा कुरान ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो एक गोल होता है उनका, वो मुकम्मल हुआ तो खुशी होती है वालदेन को भी, बच्चे को भी। उस खुशी में अगर वो खिला रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इबादत से, दीन से नहीं जुड़ी हुई। यानी खाने को ये नहीं समझते ये खिलाना नबी का हुक्म है, ये खिलाना अल्लाह का हुक्म है। जैसे अकीके का मसला है, वलीमे का मसला है, कुर्बानी है, इसमें जो खाना पीना होता है ये सब दीन से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में किसी का ये तसव्वुर नहीं है कि ये दीन से जुड़ा हुआ है, किसी का ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। एक आम दावत है, खुशी में आदमी खिलाना चाहता है, एक आम दावत है। जैसे आदमी दुनियावी तालीम कोई पास कर लेता है और उसको कोई जॉब मिलती है तो आदमी सोचता है लाओ हम पार्टी करें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इब्ने हजर रहमला के बारे में आता है कि जब उन्होंने फतुल बारी की तालीफ मुकम्मल की थी तो उन्होंने भी एक पार्टी रखी थी, दावत रखी थी, लोगों को खिलाया था, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।